पुफ्फवग्गो की यह पांचवी गाथा। पुफ्फानि हेव पचिनन्तम् व्यासत्त मनसम नरम अतितम येव कामेषु अंतको कुरुते वसम। पुफ्फानि हेव हेव समान पुष्प के समान विषय भोगों को पचिनन्तम् चुनते हुए व्यासत्त मनसम नरम आशक्त मन मनुष्य को कामेषु काम भोग में अतितम एव अतृप्त रहते ही अंत को यम अंत अंतिम स्थिति और अंत को अंत करने वाला ये कौन है यम वसम वश में कुरुते कर लेता है। पुष्प के समान विषय भोगों को चुनने वाले आशक्त मन मनुष्य को काम भोग में अतृप्त रहते। संसार की का कोई भी भोग होगा वो तृप्ति देने वाला नहीं होगा और जितना मोह होता है शरीर और संसार में उतना ही यह रमणीय भासता है। शरीर है क्या? यदि शरीर पर विचार करें तो केवल टट्टी पेशाब हड्डी मांस फोड़े फुंसी से भरा हुआ है। इसको इसी रूप में देख पाए इसके प्रति जो रमणीयता है ना वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यह नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं भोग में आकर्षित होते हैं। और इतना ही नहीं इस क्षणिक शरीर को वह नित्य मानने की भी भूल करता है। इसी धोखे में वह प्राणी पदार्थों का संग्रह करता है और इस संग्रह में भी अच्छे बुरे कर्म करते रहता है और उसी के मोह में आकंठ डूबकर पूर्ण रूप से असावधान हो जाता है। पूर्णता नहीं मिलती चाहे जितना संग्रह कर ले चाहे जितनी उपलब्धि हो जाए ये सांसारिक चीज़ों से पूर्णता मिलने वाली नहीं है। पूर्णता अपने आप में लौटने से ही है संतुष्टि में ही है। वह अभी भी अतृप्ति ही है क्योंकि सांसारिक कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। इतने में अंतक अंत करने वाला यमराज आधमकता है और उसे अपने पंजे में कर लेता है। एक कहानी कई बार मैंने कही एक व्यापारी बड़ा व्यापारी बहुत धन कमाया बहुत कमाया और कहा जाता है 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा वो इकट्ठा कर लिया और उसके मन में हुआ कि बस अब हो गया इतना कमा लिया हो गया अब कम से कम संसार का सुख भोगूं जो मैंने ये धन कमाया है इसका मैं उपभोग करूं। इतना वो निर्णय लिया था इतने में मौत आ गई। चलो वक्त हो गया। उसने कहा अभी तो मैं काम करके छुट्टी पाया हूँ धन इकट्ठा किया है अब इस धन को भोगने का अवसर तो मिलना चाहिए। नहीं वक्त हो गया चलो। अब बहुत रोया बहुत गिड़गिड़ाया अब मौत के सामने कहाँ चलने वाला किसी का और मौत जैसे उसको पकड़ती है वो बहुत परेशान। उन्होंने कहा कि ऐसा करें साल भर छोड़ दीजिए साल भर। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं वक्त हो गया। फिर उसने कहा कि ऐसा करें 6 महीना छोड़ दीजिए और एक काम और है 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैं आपको दे दूं या आप जहां कहें मैं वहां चिरिटी कर दूं जहां कहें मैं वहां दान दे दूं इसको। मौत सुनने का नाम नहीं और अब मानव मन थोड़ा सा दांव पेच खेला समय घटाया धन बढ़ाया 3 महीना 1 महीना और कहने लगा 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लो कहता चला गया।
एक दिन मांगा और 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार था। उन्होंने कहा नहीं, हार गया। अंत में कहा 1 घंटा, नहीं बिल्कुल नहीं। अब पूरी तरह से मौत के सामने विवश वो आदमी क्या कहता है, अच्छा 1 लाइन लिखने का वक्त दे दो, 1 लाइन लिखने का समय दे दो। उसने कहा ठीक है लिख लो। क्या लिखा उसने, उसने लिखा जीवन का प्रत्येक पल शांति से जियो, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण के मूल्य को समझो, मैं 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर भी अपने जीवन का 1 घंटा लौटा नहीं पा रहा हूं। क्या होता है, कठोपनिषद में यमाचार्य भी कहते हैं पराचा कामानुनियंति बालास्ते मृत्युरियंति वितितस्य पाशम। मूढ़ मनुष्य बाहरी कामनाओं में भागते भागते मृत्यु के फैले हुए जाल में फंस जाता है। ऐसा लगता है अब पूरा कभी होगा ही नहीं। इसलिए इन सांसारिक उपलब्धियों को लेकर के अपना निजी काम है उसे कभी भी न टाले, ये मान के न चले ये समस्या ये टल जाए फिर करूँ, ये काम हो जाए तो करूँ, इससे लड़ाई झगड़ा है थोड़ा शांत हो जाए तब करूँ, कभी नहीं होने वाला है। आप अपना निजी काम करेंगे ना वो सब समाधान भी होता चला जाएगा। और सही बात है, जब कोई आदमी जब निजी काम नहीं करता है ना ये सारी उलझने और बढ़ती चली जाती हैं। और निजी काम करने वालों को तो वो समाधान दिखता है, समस्या में भी वह समाधान केंद्रित होता है। और उलझा हुआ मन जहां समाधान केंद्रित होना चाहिए वहां पर समस्या केंद्रित होता है। इसलिए ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ न जाने दें। विषय की मोह मदिरा इतनी भयंकर है इसमें डूबा मनुष्य बदहवास रहता है, जैसे पतिंगे को देख करके दीपक उसके लौ में मोह में जलता है, ऐसे ही मूढ़ मनुष्य। शत्रु कबीर ने भी कहा मैं भौरा तो ही बरजिया, बन बन बांस लन रे अटके गा कहूँ बेली में, तड़फ तड़फ दी जीव देव, तड़प तड़प करके जीव देगा। ये दशा आनी है, बहुत समय नहीं लगना है, थोड़े ही दिन की बात है। वो तड़फन भरा अंत हम देखने वाले हैं यदि हमने काम नहीं किया तो। छठी गाथा है तथापि भमरोग पुप्फम वणगंधकम अहेठयम पलेति रस्मादाय एवं गामे मुनि चरे, बहुत महत्वपूर्ण गाथा। यथापि भमरो, भ्रमर भौरे को उदाहरण देते हैं तथागत बुद्ध, यथापि जैसे भमरो भ्रमर पुप्फम पुष्प के वणगंधम वण और गंध अहेठयम बिना हानि पहुँचाए, पुष्प जैसे भ्रमर फूलों के रंग और गंध को बिना हानि पहुंचाए क्या करता है उनसे, अहेठ्यम रसमादाय आदाय रस लेकर पलेति पलायन कर जाते हैं चले जाते हैं, एवं वैसे गामे गाम में मुनि चरे मुनि विचरण करे। साधक को कैसे विचरण करना चाहिए ये उदाहरण देते हैं, भ्रमर फूलों पर बैठते हैं और वे उनसे इस तरह से रस लेते हैं जैसे पीछे फूलों में जैसे कोई क्षति नहीं दिखाई देती है, कोई नुकसान नहीं होता है न आकृति में न उसकी प्रकृति में, उसके रंग भी वैसे रहते हैं गंध भी सुरक्षित। साधु को चाहिए वह गांव नगर उपनगर कहीं भी विचरण करे उसके द्वारा मनुष्यों को पीड़ा न हो, उसके द्वारा मनुष्यों को पीड़ा न हो अपितु तो उसकी संगत से उसे आनंद मिले। गुरुदेव जी कहा करते थे लिखते भी हैं आए साधु बाबा आनंद भय नगरी, और आप गए घर के लोग परेशान हो गए, आसपास के लोग आतंकित हो गए। गुरुदेव जी तो यहाँ लिखते हैं जो साधु वेशधारी विचरण करते हुए गृहस्थों से कीमती भोजन
वस्त्र तथा द्रव्य की इच्छा करते हैं और उन्हें इसके लिए विवश करते हैं, वे कितने डूबे हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, तब लग योगी जगत गुरु जब लग है उदास। जब आशा मन में जगी जब गुरु योगी दास। लटके जब तक योगी जगत का, कब तक है योगी सन्यासी जगत का गुरु कब तक है? जब तक निराश है, उदास है। और जैसे ही मन में आशा जगी तो कौन जग गुरु हो गया, योगी दास बन गया। श्री रामराज साहब जी भी ने कहा, गिरही को है लाजिम सेवा, साधु को है त्याग को लेवा। गृहस्थ का कर्तव्य है सेवा करना और साधु का कर्तव्य त्याग से रहना। अतएव साधु गृहस्थों से कुछ कामना न करे। सहज प्राप्त में अधिक का त्याग, साहब लिखते हैं सहज प्राप्त में वो अपने आप भी कुछ समर्पित कर दे तो भी अधिक है त्याग कर दो। ऐसा नहीं कि जो है लाओ सब ढके लो, नहीं, उसमें भी त्याग करके सादे स्वरूप में जीवन निर्वाह करें। खुशी इस बात की है कि यहाँ अपने समाज में कम से कम किसी को इन बातों को लेकर के कामना नहीं की जाती, भाई ये चाहिए चाहिए। गुरुदेव जी का शुरू से प्रशिक्षण ही ऐसा था कि कोई किसी को किसी पर जिद नहीं करते, जो स्वाभाविक मिला खाए पिए ये बना रहना चाहिए। समाज में जाए तब भी या फिर एक दो भी जाएं तो भी, नहीं तो गलती हम करते हैं उसकी दूरगामी प्रभाव पूरे समाज को होता है। इसलिए हर साधक का दायित्व है कि कहीं भी कामनावशी होकर के न जाए, निष्काम अपने आप देते हैं। अद्भुत सिस्टम है, जितना बढ़िया स्वयं नहीं खाएंगे उतना बढ़िया वो देना चाहते हैं, जितना अच्छा कपड़ा स्वयं नहीं पहनते उतना अच्छा कपड़ा वो समर्पित करते हैं। ये आप देख सकते हैं, उनके शरीर का कपड़ा देख लेना। यहीं बिहार में एक भगत करते हैं जहाँ बहुत धूल उड़ती थी। एक बार गुरुदेव जी के साथ गया था, बहुत भीड़ थी वहाँ। वहाँ एक बार एक राजनेता भी आए थे, कोई कपड़ा देखो एकदम गमछा पहने रहेंगे और सामान्य साफी, लेकिन कैमरिक क्या चला देते हैं, कमाल है। उनकी भावना तो देखो, उनकी श्रद्धा, और उनकी श्रद्धा को पचाना, देखो श्रद्धा को लेना बिल्कुल अलग है और श्रद्धा को पचाना बिल्कुल अलग है। ये जहर को पचाने तरीके हैं, क्यों? उतना ही लौटाना है, फिर आपको उतना ही लौटाना है जितना आप लिए हैं। यदि कहीं क्यों दिए हैं वो, इसलिए उपार्जन नहीं करते। साधक कोई उपार्जन नहीं करता, न व्यापार है न खेती है न कोई नौकरी है, नहीं, उपार्जन नहीं है। इसलिए वो जो धन देते हैं उदर पोषण के लिए, लेकिन हमारा उदर पोषण किसके लिए हो? संयम के लिए हो, त्याग के लिए हो। यदि उदर पोषण करके हम असंयम का जीवन जी रहे हैं, संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, राग द्वेष का जीवन जी रहे हैं, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? क्या हमने सही प्रतिसाद किया, क्या लौटाया उनको? इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, तथापि भमरो पुप्फम वणगंधकम अहेठयम पलेति रसमादा एवं गामे मुने चरे। जैसे भ्रमर भौरा फूलों के रंग और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेकर के पलेति चल देता है, पलायन कर जाता है, एवं वैसे गामे ग्राम में मुनि चरे, मुनि विचरण करे, साधु विचरण करे बिना किसी को तकलीफ दे, आने पर हल्का महसूस हो, उनको ऐसा ना लगे तकलीफ महसूस हो। इसलिए ये बहुत पहले तथागत बुद्ध, देखो कितने साल पहले कह दीजिए, सैकड़ों साल, हजारों साल कह सकते हैं, आज भी ये प्रासंगिक है। सातवीं गाथा है, न परेशम विलोमानी न परेशम कथा कथम
अत्तनो वा अवेक्षेयम् कतानि अकतानि च। सभी गाथा महत्वपूर्ण है। कभी भी जब कोई अच्छी बात पढ़ें तो पढ़ते समय मन का भाव क्या हो, मन का भाव हो ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए लिखा गया है, ये मेरे लिए कहा जा रहा है, तब परिवर्तन के कुछ चांस बन सकते हैं। तभी लगेगा जब मेरे लिए लिखा गया है, मेरे लिए कहा जा रहा है, तो मैं कैसे अपने को बदलूं इसको लेकर के। न परेशम विलोमानी, कितनी महत्वपूर्ण गाथा, न परेशम, न दूसरे का विलोमानी, विलोम विरोध, न दूसरे का विरोध करे, न परेशम, न दूसरे का कता कतम, कृत अकृत का पता लगावे। साधक का कैसा जीवन होना चाहिए वो यहां पर निरूपित करते हैं। न दूसरे का विरोध करे और न दूसरे के कृत अकृत को देखे, अत्तनो व अवेक्षेयम् अपितु अवेक्षे, अपने अत्तनो आत्मा अपना, अत्तनो व आत्मना एव अपना ही, कतानि किया हुआ च और अकतानि न किया हुआ, अवेक्षेयम् देखने देखने योग्य समझे, दूसरे का न देखे, उसके कृतकृत्य को न देखे, विरोध न करे, अपने ही कृत अकृत्य को देखे, अपने कर्मों को झांके, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरे का विरोध करने वाला अपना शांति पद तो छोड़ ही देता है, अपने आप को पतन में ढकेल देता है। जब विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं तो हमें क्या लगता है, कोई हमारा विरोध कर रहा है। भ्रम क्या होता है, कोई हमारा विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी एक मान्यता है, सामने वाले की एक मान्यता है, और दोनों ही मान्यताओं को लेकर के अपनी मान्यता स्थापित जब करना चाहेंगे, ये विरोध का और द्वंद्व वहां खड़ा हो जाएगा। न वो पीछे कदम हटा रहे हैं, न हम पीछे कदम हटा रहे हैं। साधक का काम क्या है, विरोध न करे, समेट ले, नहीं समेट ले बिल्कुल, न दूसरे का विरोध करे। गुरुदेव जी यहां लिखते हैं दूसरे का विरोध करने वाला अपना शांति पथ तो छोड़ ही देता है, अपने आप को पतन पथ में ढकेल देता है। दूसरे का विरोध करने का अर्थ मन में हिंसा का पालन, कमाल की बात है, ये पंक्ति साहेब की है। दूसरे का विरोध का मतलब हिंसा का पालन, मन में हिंसा का भाव वाला मनुष्य कुकर्म पर कुकर्म करते हुए नीचे गिरता जाता है। अतएव शांत इच्छुक को दूसरे के विरोध में कभी किंचित भी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरे के कृत अकृत को, किए हुए या न किए हुए को देखना भी साधना के विरुद्ध है। अमुक ने गलत कर डाला, अमुक को ऐसा करना चाहिए नहीं किया, क्यों देख रहे हो, तुझे बिरानी क्या परी, तू अपने आप निबेर। गुरुदेव जी बहुत कहा करते थे सद्गुरु विशाल देव की पंक्ति, कोई कैसे करे न तुमसे मतलब, चाहे बनावे चाहे बना बिगाड़े, भाव अभाव ही धर तप, नीच पद में अटल पद रहो। कहां तक संसार को ठीक करोगे, अपने को ठीक कर लो बस। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कृत अकृत को देखे, हमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमने आज तक कितना आवश्यक कर्तव्य किया और कितना अभी तक नहीं कर पाए, हमारे मन में कितना विकार है, कितना विकार निकालना बाकी है। इस प्रकार जो निरंतर कृत अकृत को देखता है वह शीघ्र आवश्यक कर्म करके पूर्ण शांति पाता है। अगर हमारे जीवन के जीवन का आज आखिरी दिन हो, थोड़ा सी कल्पना करें, आज हमारे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या हमें सुकून है, जितना किया है उससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा सोचें इस चीज को,
मन को सुकून शांति है, आज अपने कर्मों को लेकर के मैंने जो किया उससे मैं बेहतर नहीं कर सकता था, मैंने बेहतर किया है। क्या इस बात को लोगे अपने को लगता है? या इसको मैं दूसरे ढंग से पूछूं, अगर जीवन को 10 साल रिवाइंड कर दे, यदि हमको कोई यंत्र कोई ऐसा सिस्टम हो कि 2010 में फिर ले जाकर लग दे, 2010 में यदि कोई सिस्टम हो रिवाइंड करने का अवसर हो, तो क्या हमें लगता है कि जो कुछ किया है उससे बेहतर कर सकते थे? क्या उसे बेहतर कर सकते थे? किसने रोका था बेहतर करने के लिए? बेहतर कर सकते थे ऐसा महसूस होगा। जब कृत्य कृत्य को देखेंगे तो पता चलेगा, अपना देखेंगे तब, लेकिन दूसरे के कृत्य कृत्य को देखेंगे, दूसरे के करना और न करना को देखते रहेंगे, अपना कहाँ देख पाएंगे? अपना देखना है, ये महसूस करना है, क्या मैं बेहतर कर सकता था, क्यों नहीं किया, किसने रोका था मुझे, मैं इससे और अच्छा कर सकता था, और अच्छी तरह से साधना कर सकता था, और अधिक विनम्र, और अधिक सहनशील, और अधिक धैर्यवान, अधिक त्यागवान, अधिक शालीन हो सकता था, अधिक शांतिप्रिय हो सकता था, क्यों नहीं किए? कृत अकृत को देखें, अपने कृत अकृत को देखें, और तब जाकर के शांति की स्थिति आएगी। ये तथागत बुद्ध, बहुत महत्वपूर्ण वचन, न परेशम विलोमानी न परेशम कथाकथम अत्तनो वा अवेक्षेयम कथानी अकथानी चा, न दूसरे का विरोध करे और न दूसरे के कृत अकृत को देखे, अपितु अपने ही कृत अकृत को देखे।